दोस्तों, क्या आप भी अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने बच्चों से परेशान हैं? वो आपका मोबाइल लेकर यूज़ करते हैं और कभी कभी उनकी गलती के कारण हमारे फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस डिलीट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप बेफिक्र होकर अपना फ़ोन अपने बच्चों या फिर छोटे भाई बहन को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किड्स स्पेस के बारे में। फ्रेंड्स, यह कुछ मोबाइल फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं होता है और कुछ में होता है। दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी या फिर ओप्पो का फ़ोन है तो आपको सेटिंग में ये ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निशा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है और इसके बाद सेटिंग ओपन करने के बाद हमें जाना है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर। दोस्तों, जैसे ही सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करके हमें यहाँ नीचे आ जाना है किड्स स्पेस पर क्लिक करके। दोस्तों, जैसे ही हम किड्स स्पेस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, ड्यूरेशन अलाउड ईच वन ईच टाइम। दोस्तों, यहां से हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक हम किड्स स्पेस मोड को इनेबल करना चाहते हैं। दोस्तों, यहां पर आप टाइम सेट कर सकते हैं। दूसरा है ऐप्स अलाउड टू बी एक्सेस। दोस्तों, यहां पर हम कितनी ऐप्स को किड्स स्पेस मोड के लिए अलाउड करना चाहते हैं, यहां से हम ऐप्स को अलाउड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सिंपली अभी दो ही ऐप्स को अलाउड करके रखा हुआ है किड्स स्पेस मोड के लिए। तो आप भी अपने तरीके से यहाँ पर जिस भी ऐप को अलाउड करना चाहते हैं अलाउड कर सकते हैं। दोस्तों, और इसके बाद हमें सिंपली एंटर किड्स स्पेस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम एंटर किड्स स्पेस पर क्लिक करते हैं, हम किड्स मोड में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर हम यहां से किड्स स्पेस मोड से निकलना चाहते हैं तो हमें नीचे दिख रहा है क्विट किड्स स्पेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड यूज़ करना है। दोस्तों, जैसे हम पासवर्ड डालते हैं, हम नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। दोस्तों, इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आप अपने भाई बहन या फिर बच्चों को फ़ोन यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, वो आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस ऐप्स को अलाउड करेंगे बस उसी को ही देख कर रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इसको सिंपली सीधे डायरेक्ट अपने स्टेटस बार से ही अलाउड करना चाहते हैं तो आप किड्स स्पेस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको सिम आप किड्स स्पेस में चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से हम निकल लेते हैं। दोस्तों, हमारा फ़ोन नॉर्मल हो चुका है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।